मैं करने वाली हूँ लुक रिक्रिएट। इसमें एक ट्विस्ट है, लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ हमारी दी का। मैं फर्स्ट टाइम किसी और का इतना डीपली मेकअप कर रही हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी ना किसी तरह पता चल जाए फोटो। सो गाइस, दिल थाम के बैठी है, अब आ रही है हमारी शहनाजगी। 2-1 वीडियो। सो काफी दिन बाद वीडियो आ रही है, बट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, मैं करने वाली हूँ लुक रिक्रिएट। किसका? शहनाज गिल का। बट इसमें एक ट्विस्ट है, वो भी आप लोग समझ गए होंगे। मैं लुक रिक्रिएट करूंगी, बट अपने ऊपर नहीं। मैं लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ हमारी दी का, जो कि हमारी कुक है, हमारी हाउस टेकर है। इनका आज हम लोग लुक रिक्रिएट करने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए मैं 2-3 दिन से तैयारी कर रही थी। तो फाइनली वो हो गया। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो फोटो आपने देख लिया, जो हम लुक रिक्रिएट करने वाले हैं। हम करने वाले हैं ये ब्लैक साड़ी वाला लुक, एंड डिट्टो मुझे सेम साड़ी मिल गया, वो मुझे बहुत खुशी है। ब्लाउज का हमारा हो रहा था कि हम कौन सा डिजाइन रखे, बट जो साड़ी है वो बिल्कुल सेम मिल गया। ये हमारा ब्लाउज एंड ये साड़ी बिल्कुल सेम वाली मिल गई, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड ज्वेलरी हम अपने कलेक्शन से ढूंढेंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है। हमें सेम इयररिंग्स, सेम उसकी जो एक्सेसरी है, वो अपने कलेक्शन से ढूंढनी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। So, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मेकअप। तो हम बहुत फटफट करेंगे, क्योंकि जो हम लुक रिक्रिएट करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है, बट वो सिंपल में भी हमें जल्दी करना है और परफेक्ट लुक लेके आनी है। सो जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर ऐसा नहीं है कि बाद के लिए होता, पहले भी होता है। हम सबसे पहले मेकअप फिक्सर लगा देते हैं। आईज क्लोज कर लो। तो जो हमारे दी है, इनकी स्किन थोड़ी ऑयली, इसलिए ज़्यादा इनके ऊपर मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ये फेस ऑयल हल्का सा, जिससे थोड़ा ग्लो बना रहे। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, जो कि बायोडर्मा का है, और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं दी के ऊपर भी यही यूज़ कर रही हूँ, और मैंने माँ को भी यही वाला ला के दिया। सो अभी हमारी स्किन अच्छे से प्रेप हो चुकी है, अभी बारी है कलर करेक्टर की, क्योंकि दी के फेस पे कुछ कुछ निशान है, तो हम उनको करेक्ट करेंगे, जिसके लिए मैं ये पैलेट यूज कर रही हूँ। कुछ कलर से हम इसमें से यूज करेंगे, अभी हम करते हैं करेक्ट। तो गाइस, जो मेन इशू होता है वो होता है कि जो हमारा फोरहेड होता है वो डार्क हो जाता है, एज कंपैरिजन टू हमारी जो फेस की अदर स्किन होती है। तो अभी मैं दी का वही करेक्ट कर रही हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम किसी और का इतना डीपली मेकअप कर रही हूँ। मैंने सिर्फ अपना मेकअप किया है, और मुझे न्यूड मेकअप ही रखना है, जैसे नेचुरली मैं करती हूँ, तो हम वैसा ऐसा कुछ मेकअप करेंगे दी का भी। तो गाइस, फाउंडेशन मैंने ये ममार्थ वाली फाउंडेशन लिया, क्योंकि ये बहुत ग्लोसी, और हमें ग्लोसी मेकअप करना है। बट दी का जो स्किन टोन है वो हल्का सा मीडियम की तरफ है, मैं यूज करती हूँ मीडियम से थोड़ा ऊपर वाला। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, जो हमारा करेक्टर है, हम इसमें से कोई भी शेड पिक करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे, और उसको टोन करने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। उससे पहले मैं ये ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि फेस ग्लिटर शाइन के लिए होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो फेस होता है वो हल्का शाइन करने लग जाता है। तो जब भी आप पार्टी पे जा रहे हो, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। तो गाइस, मैंने सोचा कि पहले हम आई मेकअप करेंगे, क्योंकि जब मैं अपने फेस पे मेकअप करती हूँ, पहले मैं फेस मेकअप कर लेती हूँ। बट अगर हम प्रोफेशनली किसी का मेकअप करें, तो हमें आई मेकअप पहले करना है, बिकॉज ग्लिटर व्लिटर बहुत चीजें होती है जो हमारे फेस पे गिर जाती है। तो इसलिए पहले हम आई मेकअप कर रहे हैं। दी के थोड़ा डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो पहले मैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बिकॉज अभी हम आई शेडो अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले मैंने अच्छे से कंसीलर लगा दिया, ताकि वो जो कलर है वो हाईलाइट हुए, और हमें प्रॉपर जो मेकअप है वो न्यूड ब्राउन रखना है। तो इसके लिए मैं आई शेडो भी ब्राउन यूज करूंगी। तो गाइस, हमें ब्राउन कलर के आई शेडो लगाने थे, तो मैं ये पता नहीं अपनी फॉरएवर 21 की किट लेके आई, बट जो कलर मुझे चाहिए था वो इसी में था। तो पहले मैं लाइट कलर लगा के अच्छे से जो आई शेडो वो लगाऊंगी, उसके बाद मैं डार्क अप्लाई करूंगी। सो गाइस, फाउंडेशन के लिए मैं सोच रही हूँ क्लिनिक की फाउंडेशन यूज करूँ, जो ममार्थ की यूज करूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लिनिक की यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे ऊपर मैं यूज भी करती हूँ, और ये हल्का सा ब्राउन टोन देता है। हम यूज करने वाले हैं ये वाली फाउंडेशन दी के ऊपर, और इसमें मैं थोड़ा सा कलर करेक्टर यूज करूंगी, बिकॉज इसकी टोन मुझे थोड़ी सी डाउन लेके आनी है। सो गाइस, इस फाउंडेशन के अंदर मैं ग्लो बूस्टर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये है कि ग्लो आ जाएगा। तो गाइस, कंसीलर के लिए मैं ये वाला कंसीलर यूज कर रही हूँ, ये मैं दुबई से लेके आई थी, बहुत अच्छा है। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया है, तो अभी हम लोग करेंगे डार्क सर्कल को कवर। सो गाइस,
गाइज मैं लाइनर लगाने वाली हूँ। आपने देखा होगा फोटो में शहनाज ने विंग आईलाइनर लगाया, तो मैं भी विंग लाइनर लगाऊं। तो अभी हमारा जो बेस है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो हम लगाने वाले हैं लाइनर विंग लाइनर। गाइज मैंने आईब्रोज भी दी के बना दिए, क्योंकि आपने देखा होगा शहनाज के आईब्रोज थोड़े से ज्यादा शार्प थे, तो इसलिए मैंने दी के आईब्रोज भी शार्प करी, इनके आईब्रोज बहुत कम थे तो मैंने कर दिया। अभी मैं मस्कारा लगाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं टू फेस का मस्कारा यूज कर रही हूँ, साथ में मैं थोड़ा सा एसेंस का करूंगी बिकॉज ये बहुत ही वॉल्यूम देता है। तो अभी हम कर लेते हैं ये वाला। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो हमारा मस्कारा हो गया, अब हम करेंगे कंटूर। दीजिए करो और नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं ब्लशर। ब्लशर हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ब्राउन टच अप देना थी। स्माइल करो। और साथ ही हम बेनिफिट का हाइलाइटर यूज करने वाले हैं, ये बहुत मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, मैं काफी सालों से ये यूज कर रही हूँ। तो सबसे मेन काम हम करने जा रहे हैं, हम लगाने वाले लिपस्टिक, क्योंकि उसने बहुत न्यूड लिपस्टिक लगाई है। तो मैं सफोरा की ये शेड ले रही हूँ 02 जो कि बहुत ज्यादा न्यूड है, तो इससे हम दी के लिप्स को शेप देंगे। गाइस मैं थोड़ी प्रोफेशनल बन जाती हूँ, प्रोफेशनल जो होते हैं उनके हाथ में ऐसे वाला ढूंढना सा रहता है जैसे कि मेकअप खराब नहीं होता। सो लास्ट में वी आर यूजिंग सफोरा का ये लिप ग्लोज, ये बहुत प्यारा और ये बिल्कुल एकदम लगाते एकदम एक्ट्रेस वाला ग्लो दे देता है। हम ये यूज कर रहे हैं दी के लिप्स पे, आप देख सकते हो तो कितने हाइड्रेटिंग लग रहे हैं लिप्स। तो ये हमारा लिप ग्लोज भी कंप्लीट होता है। तो अभी हमें लास्ट स्टेप करना है जो कि हमारा मेकअप फिक्सर। दीदी आईज क्लोज कर लो। तो गाइस यहाँ पे हमारा मेकअप होता है कंप्लीट। यस तो मैंने फट्टे झाक दिए और मैंने कर ही दिया मेकअप कैसे तैसे करें, क्योंकि मेरी स्किन टोन और दी की स्किन टोन में थोड़ा ऊपर नीचे था, तो फिर भी मैंने एडजस्ट करके कर दिया। सो गाइस जब तक हमारा मेकअप सेटल हो रहा है, जब तक हम लोग कर लेते हैं दी की साड़ी का इंतजाम, उसके बाद हमें हेयर्स करने हैं। हेयर्स के लिए मैं सोच रही हूँ थोड़े कर्ल दूं, उसके बाद में पोनी बनाऊं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट लुक आएगा, क्योंकि हमें थोड़ा क्लीन लुक रखना आगे से। सो लेट्स स्टार्ट। तो कैसे तैसे करके हमने साड़ी तो लगाई ली है, अब हम बनाएंगे बाल, बट मैं आपको फाइनल लुक अभी नहीं दिखाऊंगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी ना किसी तरह पता चल जाए, फोटो में भी हम लोग थंबनेल पे ब्लर करके लगाएंगे ताकि आपको पता ना चले। तो साड़ी मैंने किसी तरह बांध दी है और आप मेरे को ना ऐसे जजमेंट करना कि मैंने कैसा कैसा तैयार किया, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। तो अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें ढूंढने इयररिंग्स, और मैंने चैलेंज लिया था कि मैं अपने जो मेरे पास कलेक्शन है उसी में से ज्वेलरी ढूंढूंगी। तो लंबे वाले इयररिंग्स ढूंढना बहुत बड़ा वो हमें पंगा है, तो अब देखते हैं। जब तक हम दी को नहीं दिखाएंगे सुखाई। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि मुझे ज्वेलरी ढूंढनी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साइड में फोटो आ रहा है, आपने देखा होगा कि उन्होंने व्हाइट कलर के कुछ लॉन्ग में इयररिंग्स पहने, और मैं लॉन्ग में ही नहीं पहनती हूँ, ये प्रॉब्लम है, तो हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो यार मैंने बड़ी मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो वाले इयररिंग तो नहीं मिले। इसके साथ के इयररिंग थे वो लंबे लंबे, बट मिल ही नहीं रहे, तो कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, इसलिए मैंने इसके एंटी एक ऑप्शन ढूंढ लिया है। मेरे ये वाले इयररिंग्स मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये क्या लॉन्ग में भी है और सिल्वर भी है, बट इसके यहाँ पे लव लिखा हुआ है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये चल जाएंगे। तो इस वाले इयररिंग को हम पहनाएंगे दी को, और हाथ में उन्होंने ब्रेसलेट डाला है, तो मैं सोच रही हूँ ब्रेसलेट भी हम कुछ सिल्वर कलर का ही पहना देते हैं। सो इयररिंग्स भी हमें मिल चुके थे, ये है हमारे इयररिंग्स। तो हमारी लुक कंप्लीट होने वाली है। आर यू गाइस एक्साइटेड? अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ फुल लुक विद इन 2 सेकंड। सो गाइस दिल थाम के बैठिए, अब आ रही है हमारी शहनाज गिल, जिनका मैंने लुक रिक्रिएट करा है शहनाज गिल की लुक के साथ में। सो 3, 2, 1 तो गाइस कमेंट करके बताओगे मैंने कितना परसेंट मैचिंग कर दिया। सेम इयररिंग, सेम हेयर स्टाइल, सेम साड़ी, सब कुछ सेम कर दिया है। दीदी थोड़ा हंस के दिखा दो यार, मैंने इतनी मेहनत करी है। तो दी आपको ये लुक कैसा लगा? तो गाइज मैंने दी का एक और लुक करा है, वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले आप ये देखो कि ये लुक आपको कैसा लगा है। अभी हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे सिनेमैटिक्स। कि मैंने अपना ये डायसन का कर्लर निकाल लिया, जिसे मैं दी के कर्ल करने वाली हूँ बाल। तो गाइज मेरे को इस कर्लर की सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि इसमें बाल और हाथ कुछ भी जलने का डर नहीं है, एकदम ऐसे कर लेता है। डायसन जो है वो हीट नहीं देता है, ये हमारा मतलब हम जब भी ड्रायर यूज करते हैं उसमें से जो एक
एयर निकलती वैसे कुछ होता है इसका इफेक्ट। गाइज आपने दी का वो वाला लुक तो देख ही लिया, लेकिन जब मैंने दी के कर्ल करे थे और गले में मैंने एक नेकलेस डलवाया था तो ये कुछ ऐसी लग रही थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी। और मेरे को ये था कि अगर मुझे लुक रिक्रिएट नहीं करना होता तो मैं इसी में दी का फोटो शूट करती, क्योंकि दी बहुत प्यारी लग रही है। मैंने इनका न्यूड मेकअप करा, इन्होंने वैसे साइड मार्क ज्यादा निकाली है बट आज मैंने सेंटर निकाली है। मुझे नहीं पता ये आप लोगों को कैसा लग रहा है लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। दी पूरा शर्मा रही है, सभी भी अपनी एंगेजमेंट के लिए जा रही है। Fly so fly, don't ya? Keep riding skies, won't ya? Standing on the edge while you're looking down. Fly down on the ground just to find out. You fly so fly, don't ya? Keep riding skies. To yourself, to bear. Just try to open up and show someone you care. It might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. दो लुक करी आपकी तो दी को बहुत पसंद आई, तो हमारी मेहनत होती है सक्सेसफुल। गाइस लव यू ऑल। एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन उसकी भी लुक रिक्रिएट करेंगे, उसकी एक बहुत क्यूट सी लुक है वो कोई सी क्रिएट करूंगी आपके। ठीक है, फिर हमने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया तो अगली लुक हम दी की जैकलीन फर्नांडिस वाली करने वाले हैं। दीदी जो खुशी ने आपकी दो लुक रिक्रिएट करी, उनमें से आपको ज्यादा कौन सी अच्छी लगी, खुले बाल की वाली? खुले बाल वाली। खुले लेकिन दोनों बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लगी। So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दी बाय बाय कर दो हमारी वीके फैम को। बाय बाय। Let yourself unfold.